अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की और बनने का सपना है भाई जेआरएफ या क्लियर करना है आप सभी को नेट, तो अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, कोड इस्तेमाल करें गौरव जैन एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेस। तो फटाफट से जाओ, अगर नेट जेआरएफ की लाइव क्लासेस चाहिए इकोनॉमिक्स की और हमसे जाइए, तो कोड इस्तेमाल करें गौरव जैन और पेपर वन पेपर टू दोनों की लाइव क्लासेस को अटेंड करें। कोड इस्तेमाल करना ना भूलें, यूज कोड गौरव जैन एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेस। Hi guys, welcome back to another video of Economics on our Tips. भाइयों बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Economics on our Tips पे। आज पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा अंतिम फाइनल एंड करने वाले हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड कर लेंगे, फिर एक घुमा के वीडियो लेकर आऊंगा। घुमा के वीडियो का मतलब है बच्चा लोगों तीनों के तीनों का कंबाइंड न्यूमेरिकल। बड़ी फटती है ना भैया, नेशनल इनकम सर, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सबसे बेहतर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स वाले टिप से कुछ सीखो ना सीखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका जरूर सीख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है वो अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में समझाएंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आप इसको देखकर समझ गए खर्चे ही खर्चे। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? खर्चे ही खर्चे। खर्चे का मतलब क्या है देखो समझना, एक्सपेंडिचर मेथड, अब समझना मेरी बात को, बड़ा सिंपल। अपन लोगों ने पढ़ लिया कि अलग अलग फेजेस में, यानी वैल्यू एडेड मेथड में अलग अलग फेजेस में पैसा जनरेट करो, उससे नेशनल इनकम निकल जाती है। फिर पढ़ लिया कमाई के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। तीसरा खर्चे के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। आज समझेंगे भैया खर्चे के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को, एक्सपेंडिचर खर्चा, इनकम डिस्पोजल मेथड एक और नाम है। अब समझो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर। धीरे धीरे क्या इस मेथड के तहत हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखते हुए। किसको? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के ऊपर जो खर्चा किया उसको यहां काउंट किया जाएगा। इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया गया उससे हम नेशनल इनकम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आगे समझो, द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी हम जो भी ऐड करेंगे, हमने करा मेरा खर्चा, तेरा खर्चा, पड़ोसी का खर्चा, पड़ोसी की पड़ोसन का खर्चा, इन सारे खर्चों को जब हम जोड़ लेंगे ना, उससे हमें निकलेगा जीडीपी एमपी। यानी उसको जोड़ने के बाद जीडीपी एमपी निकाला जाता है। जैसा कि नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड में कुछ और निकाला, एनडीपीएफसी निकाला जाता था, वैल्यू एडेड मेथड में भी जीडीपी एमपी आता था। इसके अंदर भी जब हम सबको जोड़ देंगे तो जीडीपी एमपी आएगा। अब मेरी बात को समझ पाएगा? अगला देखेंगे भाई लोगों, अगर आपको मेरे आसपास भिन्न भिन्न प्रकार की खतरनाक तूफानी आवाज आए तो उस खतरनाक तूफानी आवाजों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि आज खतरनाक तूफान चल रहा है। गर्मी के मौसम में तिकोनी धूप जब निकलती है और तिकोनी धूप के बीच में जब बादल आते हैं और बारिश आती है तो कुछ ऐसा ही होता है। तो अभी भयंकर बारिश आ रही है और आप आज थोड़ा सा मेरे को फास्ट फॉरवर्ड भी देखोगे, क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा फटती एक चीज की है वो है इसकी, किसी की पटे नहीं पटे इस चीज की बड़ी फटती है। चलते चलते बीच में बंद हो गया फिर, यानी लेने के देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए फटाफट से लेने के लेने लेते हैं, देने को छोड़ देते हैं और हम आगे पढ़ते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने क्या बोला? सबका खर्चा जोड़ दो जीडीपी एमपी आ जाएगा, सबका खर्चा जोड़ दो जीडीपी एमपी पालो। अब सबका खर्चे में सबसे पहला खर्चा आता है बेटा ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या आता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चार वर्ड का नाम और चार वर्ड का काम, प्राइवेट, हम, फाइनल, अंतिम, कंज्यूम करने वाला खर्चा। हम लोग जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं वो कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है बेटा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑन परचेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा लग रहा है सर बड़ा सिंपल है, तो
है ना, बड़ा सिंपल, ऐसे सिंपल नहीं, सिंपल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। देखो इधर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये वो खर्चा है जो कि किया गया है प्राइवेट के द्वारा, या प्राइवेट का मतलब बिजनेसमैन नहीं, प्राइवेट के मतलब हम हैं, ठीक है। किसमें? ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन देन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जितना फाइनल खर्चा हम लोगों के थ्रू किया गया, मतलब नॉन गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, वो काउंट हो जाएगा इसके अंदर। किस नाम से? नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे द्वारा किया गया फाइनल खर्चा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी काउंटेड ओवर हियर। दूसरा, अब हम हो गए, दूसरा कौन बचा? हम हो गए, दूसरी है सरकार। पहले हो गए हम, दूसरी आई सरकार, दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंड। पहले समझना हमारा खर्चा, अब सरकार का खर्चा। पहले आया हमारा खर्चा, फिर आया सरकार का खर्चा। सेम वही डेफिनेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के दिया, सरकार के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर कंजम्पशन है, यहां पर भी कंजम्पशन है, मतलब इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कैपिटल स्टॉक के अंदर जो खर्चा होता है उसको अब तक हमने यहां पर काउंट नहीं किया है। ये दोनों कंजम्पशन है, सरकार का कंजम्पशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट कर रहा है, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। ये क्या है? ये एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, ये खर्चा हुआ और खत्म हो गया, दिस इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला, दो पॉइंट पड़े, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन हो गया, तीसरा आ गया इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे सारे के सारे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लिख लो, लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब नेट नहीं है, डेप्रिसिएशन है अभी इसमें। डोमेस्टिक देश के अंदर, यानी बाहर वाला काउंट करना बाकी है, चौथा नेट एक्सपोर्ट उसी का है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट है इसका, ये दोनों कंजम्पशन हो गए, हमारा कंजम्पशन, सरकार का कंजम्पशन, अब दोनों का मिला के इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझना इस चीज को, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब यहां समझना, वर्ड है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब भारत के बाहर वाली कहानी यहां चौथे पॉइंट के अंदर आएगी, समझना। अब इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट कहलाता है मुन्ना, अब समझो, समझो, बड़ा बड़ा आसान, बड़ा कॉमर्स वाले सारे के सारे बोलो हाँ, है ना, आर्ट्स वाले भी हैं क्या, अच्छी बात, आर्ट्स वाले होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो यहां पर बेटा, जो एसेट होते हैं ना, वो दो तरीके के माने जाएंगे, एक होता है फिक्स, एक होता है करंट, झटका, एक होता है फिक्स, एक होता है करंट। फिक्स का मतलब लंबे समय वाला, करंट का मतलब जल्दी, अभी, इंस्टेंट वाला। फिक्स एसेट का मतलब मशीन, बिल्डिंग, ठीक है। करंट एसेट का मतलब जो कि महीने दो महीने में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सारे करंट एसेट में आते हैं। तो यहां हमने बोला एसेट बनाया, दो तरीके होंगे इसके, कौन कौन सा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पहला कौन सा एसेट बनाया? फिक्स्ड कैपिटल, कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल बनाया। और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक, जिसको बोले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ में आ गया। हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एसेट बनाए, एसेट दो तरीके के आए, एक फिक्स्ड एसेट, एक करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, करंट एसेट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नोन एज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लोग गलती करते हैं, यहां पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होता है, लोग समझ लेते हैं ये गिवन है। आपको देखना है अगर फिक्स्ड है तो उसमें करंट जोड़ना पड़ेगा, और अगर डायरेक्टली राजर का हलवा बना बना मिल गया, पेल जा,
नहीं मिला तो दोनों को मिला के पहले हलवा बना, ठीक है। तो यहां पर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाता है तो फिक्स कैपिटल इन्वेंट्री को नहीं ढूंढना है, पर अगर ये मुन्ना डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढो, उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो, आपका बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कई जगह क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नेट से ग्रॉस पे आना आपको आता है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो आएगा। क्या ग्रॉस से नेट पे कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन का खेल कर आएगा, डेप्रिसिएशन का खेल करो, ग्रॉस से नेट पे आ जाओ, खेल खत्म हो गया। समझ में आ गया, तीन चीज पड़ी, खर्चा कैसा हमारा, खर्चा कैसा सरकार का, खर्चा कैसा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट, या तो फिक्स या फिर इन्वेंट्री, चौथा और अंतिम नेट एक्सपोर्ट, चौथा और अंतिम नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दिख रहा है भाई लोगों, ये नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको बोलते सर नेट इंपोर्ट गिवन है, नेट इंपोर्ट गिवन है, और नेट इंपोर्ट अब क्या करें, कुछ नहीं होता बेटा, नेट इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो अगर नेट एक्सपोर्ट है 10, नेट एक्सपोर्ट है 10, तो नेट इंपोर्ट होगा माइनस 10, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, चार चीजों को जोड़ो, खेल हो जाएगा खर्चे का, पहली चीज हमारा फाइनल, दूसरी चीज सरकार का फाइनल, तीसरी चीज एसेट फॉर्मेशन, चौथी चीज देश के बाहर का खेल नेट एक्सपोर्ट। 1 2 3 4 इनको जोड़ो बारंबार, ठीक है। अब देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चार को जोड़ दो, अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिलता तो क्या करना है आपको, ये रहा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को जोड़ो, कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन चार को जोड़ोगे आ जाएगा क्या, जीडीपी एमपी, इन चार को जोड़ो जीडीपी एमपी बना, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक आना सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो शायद नई वीडियो में पहली बार आता है, पिछली वीडियो देख के नहीं आता है तो पिछली वीडियो में जाना और देख के आ जाना, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंचा जाता है, समझ में आया, बोल हाँ, जोर से बोलो हाँ, सारे बोलो हाँ, तीन मेथड पढ़े तीनों का खेल करा, तीन मेथड पढ़े तीनों का खेल करा, अब आगे बढ़े अगले खेल करा, मैं साइड हो जाऊं, बिल्कुल साइड हो जाऊं, छापो, खुली छूट छापो, भर भर के छापो, तीनों मेथड यहां पर आप सभी को दे रखे हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन सबको आप जोड़ लो, खेल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। समझ में आ गया, ये पहली सफेद लाइन, हाँ ठीक है, ये इसमें जुड़ेगा, हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये तीनों मेथड में एक बार और साइड हो जाऊं, चलो गिर जाऊंगा ज्यादा साइड होऊंगा तो, हाँ भाई स्क्रीन से बाहर, बिल्कुल चकाचक दिख रहा, मस्त चमकता चमकता, ठीक है, समझ में आ गया भाई लोगों। तो ये है हमारी आज की कक्षा, जिनके अंदर हमने पढ़ा है एक्सपेंडिचर मेथड, क्या पढ़ा है, एक्सपेंडिचर, चार चीजों को जोड़ो और हो जाएगा खेल, किनको, 1 2 3 4, चार चीजें जोड़ो बारंबार, चार चीजें जोड़ो, क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकला, इससे नेशनल इनकम निकली, और क्या है, बच्चों का खेल है, फटाफट हो जाएगा, तेरा मेरा मेल है, और 12वीं में 100 नंबर आएंगे, हम कितने आएंगे, 100 आएंगे, कितने आएंगे, 100 आएंगे, बोलना ही नहीं है, 90 आएंगे नहीं, 95 आएंगे नहीं, पूरे आएंगे 100, कितने आएंगे, पूरे आएंगे 100, इस उम्मीद से, इस आशा से आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ध्यान रखें भाइयों और बहनों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी दोनों पुस्तकें यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अब तक परचेज नहीं की है तो भाग के जाइए, अमेजोन पर लिंक है उसको जाके परचेज कर लीजिए, और एट लास्ट क्लास के बाद स्टूडियस पे आपका क्विज है, सो स्टूडियस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस क्विज को अटेंड करें, रात को 10 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपसे कर फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, टिल देन गाइस कीप वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।